हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल तिलेर बड़ा रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पर हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 100 ग्राम तिल और तिल को अच्छी तरह से भून लेंगे। तिल अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अभी इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखिए, तिल को हमने एक कटोरी में निकाल लिया है और अभी इसमें हमने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच चावल का आटा। साथ ही में हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक डो जैसा बना लेंगे। तो पानी डाल के इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम डाल देंगे और 2 चम्मच बेसन और बेसन डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा पकौड़ा का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और चूल्हे पर हमने पैन को गर्म करने के लिए बिठा दिया है। पैन गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे तेल। तो ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना होगा, सिर्फ 3 से 4 चम्मच तेल हम डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और पकौड़ा बनाते जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको हमें फ्राई करना है। तो ये एक साइड से हो चुके हैं, अभी इनको हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। तो देखिए, हमारे सारे तिल के पकौड़े या फिर तिलेर बड़ा बिल्कुल तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।